हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए आप अपने पुराने टीवी को कनेक्ट कर सकते हो, अपने स्मार्टफोन के साथ, किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये मैंने ऑर्डर की थी दराज पीके से। अगर आप मंगवाना चाहते हो ऑनलाइन तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं अमेज़ोन के और पाकिस्तान के लिए दराज पीके के, ठीक है। तो ये दोस्तों, इसको चलिए अनबॉक्स करते हैं इस डिवाइस को। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। इसमें हमें मिलता है यहाँ पर ये एक केबल और ये छोटी सी डिवाइस और एक मैनुअल। इसके अलावा और डब्बे में कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं इसकी पावर केबल को। ये है इसकी पावर केबल, सिर्फ हमें यही मिलती है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और खोल के एक साइड में इसको रख लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं डिवाइस को। तो ये है पावर केबल और अब देखते हैं डिवाइस को, ठीक है। यहाँ पर हमें लगेगी एवी पिन्स, ठीक है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लगेगी HDMI इनपुट। तो ये है इसका पावर के लिए इनपुट है और पाल और NTSF कुछ ऐसा है। तो HDMI to AV ऑप्शन के लिए ये यूज़ होगी डिवाइस। तो यहाँ पर हमें इसके अलावा क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए ये AV केबल। ये मैंने 50 रुपये की पाकिस्तान में ख़रीदी है। ये 3 पिन वाली भी होती है, 2 वाली, मैंने 2 वाली ली क्यों, एक मैं वीडियो के लिए यूज़ करूँगा, एक ऑडियो के लिए, ठीक है। तो ये पिन्स आप अलग से आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, ये साथ नहीं मिलती, ठीक है, ये आपको अलग से ख़रीदनी पड़ेंगी। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी HDMI to OTG, ठीक है। ये है मेरे पास में HDMI और इसके जो अपोजिट है ये साथ में ये HDMI to OTG, ठीक है। ये OTG हमारे मोबाइल में लगेगी, ठीक है, जहाँ हम मोबाइल में चार्जिंग लगा के यूज़ करते हैं। और ये HDMI इस यहाँ पर लगेगी, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ यूज़ करना होगा अपने इसको पावर देने के लिए। ये मोबाइल का चार्जर है मेरे पास में, तो इसको पावर देने के लिए, डिवाइस को पावर देने के लिए ये यूज़ करना होगा। तो चलिए ये मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो ये देख ले कि हम इसको पावर देने के लिए यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पावर देने के लिए, इसके साथ में एक बटन छोटा सा, यहाँ से आप पाल और NTSF अब ऐसा ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये ऑडियो वीडियो लीड है, ठीक है। ये जो येलो वाली आपको नज़र आ रही है ये वीडियो की है और इसके साथ में राइट और लेफ्ट ये जो है ऑडियो के लिए है, ठीक है। ये मैं वाइट वाली पिन लगा रहा हूँ वीडियो के लिए और ये रेड वाली मैं लगा रहा हूँ ये ऑडियो के लिए है, ठीक है। मैं मेरे पास में ये डबल वाली, आपके पास 3 हो तो आप डबल आर राइट लेफ्ट ऑडियो वो भी आप चूज़ कर सकते हो, यानी 3 वाली पिन भी मिलती है। तो ये है इसका HDMI इनपुट, ठीक है। यहाँ पर हम HDMI लगाएंगे अपने इसको इनपुट देने के लिए। तो ये है जनाब HDMI, ये मैंने लगा दी है। अब ये जो HDMI to OTG है, ये OTG केबल जो है ये हमारे लगेगी जहाँ हम मोबाइल में चार्जिंग करते हैं ना, जिस पिन से उसको बोलते हैं OTG, ठीक है। ये वाली पिन हम लगाएंगे। अब चलिए इसको पावर देते हैं। ये मैं इसको लगा देता हूँ चार्जर को यहाँ पर इसको पावर देने के लिए। तो इस तरीके से चलिए अब चलते हैं हमारे टीवी की तरफ और अपनी AV लीड वहाँ लगाते हैं, ऑडियो वीडियो लीड लगाते हैं। तो चलिए ये हमारा टीवी है, सैमसंग टीवी है यहाँ पर वीडियो में जो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मॉडल नंबर नहीं पता लेकिन ये सैमसंग का टीवी है। तो चलिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है ऑडियो लीड की इनपुट और वीडियो की। तो मैं एक मिनट देख लूँ जी, ये सबसे पहले ऑडियो है, ठीक है। ये हमने रेड पे लगाई थी ऑडियो, तो हम यहाँ पर ऑडियो में ऑडियो लगा रहे हैं, ठीक है। अब वीडियो वाली सेम यहाँ पर भी येलो में ही है, तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो की पिन लगा दी, ठीक है। तो अब टीवी ऑन करते हैं। चलिए मैं टीवी को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। लीजिए टीवी थोड़ा पुराना है पर ऑन हो रहा है। ये सभी टीवी में आपको ये इजीली ऑप्शन मिल जाता है ऑडियो वीडियो, हालांकि ये जदीद भी जो आ रहे हैं उसमें भी मिल जाता है, यानी जदीद LCD LED सब में आ रही है ये ऑप्शन, ऑडियो वीडियो की सब में ऑप्शन रहती है, ठीक है, इस तरह की पिन की। तो चलिए मैं ये ऑप्शन से जाके AV ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये क्या नो सिग्नल, एक मिनट, मैं वो लगता है पावर ऑन नहीं किया बटन, तो सॉरी मैं पावर ऑन कर लूँ, दे एक मिनट, ये मैं पावर ऑन कर रहा हूँ। लीजिए ये पावर ऑन करते मेरा हो गया है कनेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो आप भी बड़ी इजीली अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो
अपने पुराने टीवी के साथ में, ठीक है। आपका कोई भी मोबाइल है, कैसा भी मोबाइल है, एंड्रॉयड का, स्मार्टफोन का, कैसा भी मॉडल है, कोई भी मॉडल है, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एवी ऑप्शन एलसीडी में भी आता है, एलईडी में भी आता है, पुराने सभी टीवी में होता है, हर तरह के टीवी में होता है। इसके अलावा इस डिवाइस के ज़रिए आप अपने प्रोजेक्टर भी कनेक्ट कर सकते हो, कैमरे भी कनेक्ट कर सकते हो, कंप्यूटर भी कनेक्ट कर सकते हो। इस डिवाइस के ज़रिए आप बहुत कुछ कनेक्ट कर सकते हो, तो वो आगे चल के मैं आपको उन चीज़ों की भी वीडियो बना के दूंगा। फ़िलहाल तो आपके लिए ये वीडियो बनाई है कि आप अपना स्मार्टफोन मोबाइल कैसे कनेक्ट कर सकते हो अपने पुराने टीवी के साथ में। ओके, तीर के सामने बने गोल निशान पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ वीडियो मुतालिक आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करें।